नहीं मैम पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस विल मेक दिस थिंग्स इजी, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार लिखो, लिख के सबमिट करो, अपना नोट्स खुद बनाओ। देखो हम तो नोट्स देते ही हैं, बट हर किसी का खुद का भी नोट्स होता है। मैं कभी भी मतलब दूसरे का नोट्स डायरेक्टली नहीं फॉलो करती, हमेशा खुद का एक बनाती हूँ। आप कुछ उसमें जोड़ोगे या फिर कुछ नहीं आपको पसंद है तो वो सेंटेंस आप काट सकते हो, बट नजर में ये रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट को बच्चों हमेशा रख के ही आपको आगे देखना है, ठीक है। यस कॉन्सेप्ट पिले सेम सबो टीचर्स मैंने किसी किसी से ही सेम कॉन्सेप्ट नहीं करे नोट्स तैयारी करता नहीं तेरू तो मैंने कौन जितने बड़े भी नोट्स निजर तैयारी करबो कॉन्सेप्ट सेम रखिबो केमते निजे प्रेजेंट करबो प्रेजेंटेबल वे रे निजरा बनेबो बुझले त। आ कौन को कौन डाउट हो जे ना स्टार्ट करबा। यस आई एम स्टार्ट। स्टार्ट करबा ओके। तो हमें कौन कौन पढ़तीले पिले से दिन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट भी सारे पढ़तीले ना ये। यस मैम। यस मैम। देखा जाऊ छ समझ तेंगो। यस मैम। देखो सो हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ू छे पिले किछी ता अमोबॉइड मूवमेंट अछि। अमोबॉइड मूवमेंट कैसे होगा, सीधा सीधो पोडिया को, सीधो पोडिया मतलब फर्स्ट फिट, मतलब जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी को ही फैला के ऑर्गेनिज्म क्या होगा आगे आगे मूव करेगा। फूड भी कैप्चर उसी के थ्रू से ही करेगा। सीधो पोडिया को कौन करिबा से आगो को नहीं गला देहाड़ो एक्सटेंड कर देला एवं निजो खाद्य डा कौन करिबा घोड़ेई दबो पूरा कैप्चर करि नबा भीतर को हेला। सो ए टाइप रो ही रखी थांते से माने सब मूवमेंट। तो फ्लाजेलर मूवमेंट अलगा अछि, फ्लाजेला थ्रू रे जो मूवमेंट हबो सर फ्लाजेलर मूवमेंट कहिबा, सिलिया थ्रू रे जो मूवमेंट हबो ताको सिलियरी मूवमेंट कहिबा। अमोएबा रो जेंति रहउछि सिडो पोडिया एंटामोएबा अमोएबा तार कोन तुमरो अमोएबा एंटामोएबा रो कोन सिडो पोडियल मूवमेंट ओके। सो ये सब डिफरेंट टाइप रो ता छोड़ा आउ भी दीटा प्रकार पढ़ले गोटे रिंगलिंग मूवमेंट आउ गोटे पिले म्यूसिलाजिनस म्यूसिलेज रे जोटा मूवमेंट हबो। सो एति की टोटल आमे टाइप रो मूवमेंट पढ़िथिले। आज आमे देखिबा सेमान को रिप्रोडक्शन की परि करथांती, न्यूट्रिशन माने खाद्य ग्रहण की परि करथांती प्रोटिस्टा माने ओके। आउ ता छोड़ा ये माने रेस्पिरेशन हला बा तुमर जे तो यूकेरोटिक सेल आमे जानि छे कोन रेस्पिरेशन पे की हेल्प करबो पले माइटोकांड्रिया रहिबो। सो ए सब बिषय आमे देखिबा। सो कोन कोन टाइप रो रहुछि मेनली तुमर न्यूट्रिशन ना, न्यूट्रिशन इज अ टू टाइप मेनली इन केस ऑफ योर प्रोटिस्टा। न्यूट्रिशन इज अ टू टाइप, हु कैन टेल मी व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर मैम? फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक, लाइक फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक इन एब्सेंस ऑफ लाइट। सो इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक पिले तुम्हे मैंने कहि परबो ऑटोट्रॉपिक हला, आउ इन केस ऑफ हेटरोट्रॉपिक तुम्हे कहि परबो कोन हेटरोट्रॉपिक, माने जो माने अदर्स ऊपर डिपेंड करिवे तको हेटरोट्रॉपिक कहिबा, जो माने निजे निजर खाद्य तयारी करिवे से माने होचने कोन ऑटोट्रॉपिक बोली कहिबा हला। मैम फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा, ऑटोट्रॉपिक के अंडर में आएगा बच्चे वो, ठीक है। हां मैम देखो मैं बताती हूं यहां पे के पिले आउ गोटे जिनस हम कहि दउ छी लिखी दउ छी तुम्हें मैंने चाहिए लिखी दियो। मु एडा न्यूट्रिशन चैप्टर रे डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन रे पढ़े भी आउ थरे, फिर भी अभी टिके चाहू छी लिखी दियो। मेनली तुम्हारे जो न्यूट्रिशन रहिला पिले दी टाइप रो गोटे होची कोन ऑटोट्रॉपिक आ गोटे हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक अंडर रे पूरी दी टाइप रो रहूची। अंडर ऑटोट्रॉपिक देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है आपका फोटोसिंथेटिक और एक होता है केमोसिंथेटिक। दसम रे टेंथ रे पढ़ी छ मन पकाओ। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट यूटिलाइज करके जो अपना खाना प्रिपेयर करेगा, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आर फोटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक फोटो मतलब लाइट को लेके सिंथेसिस करेगा। केमोसिंथेटिक मतलब केमिकल को लेके जो अपना खाना बनाएगा, जैसे कि अल्गी हो गया आपका, कुछ कुछ अल्गी है आपका, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे केमोसिंथेटिक है। सो दिस इज अंडर ऑटोट्रॉपिक।
देन जो हेटरोट्रॉपिक है बच्चों, हेटरोट्रॉपिक के अंडर में आप लिखो, हेटरोट्रॉपिक में क्या क्या है, साप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. साप्रोफाइटिक मतलब क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, उनसे अपना जो फूड है और अब्सॉर्बेबल फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में चूसेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो साप्रोफाइट्स कौन होते हैं, यूजुअली फंगाई आर द साप्रोफाइट्स. ओके, नेक्स्ट आ गया पैरासाइटिक. जैसे कि आप बोलोगे हो गया वॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्म, या फिर आप टिक बोल सकते हो, लाइस बोल सकते हो, ये पैरासाइट है. लीच भी पैरासाइट है. पैरासाइट माने कौन पिले, अन्यर शरीर उपरे बा भीतर रहिबे, एवं सेमान को ब्लड डायरेक्टली कौन करिबे, अब्सॉर्ब करिबे, से माने होचे पैरासाइट है ना, बॉडी ऊपर डिपेंड करे ना, मैं डिपेंड करिबे होस्ट बॉडी ऊपर डिपेंड करिबे है ना, होस्ट बॉडी ऊपर डिपेंड करिबा इन और ऑन भीतर बा बाहर रहिबे. आ होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन, होलोजोइक न्यूट्रिशन हला जेंति कि तुम्हें कहि परिबो कौन ना, होलोजोइक माने तुम्हारो कॉम्प्लेक्स फूड उपरे जो माने डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स फूड उपरे जो माने डिपेंडेंट ताको कौन कहबा, होलोजोइक बोली कहबा. आमे माने जेंती आमे लिक्विड सब बेले पिउचे कि नाही, आमे सॉलिड जिंस को कौन करूचे ना, खाउचे चोबोउचे तापरे हजम करूचे, राइट दिव्यश्री, समझ में आ रहा है? यस मैम. सॉलिड फूड मटेरियल इनटेक कर रहे हैं या फिर बोलोगे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटेक करना, उसको बोला जाता है होलोजोइक. एबे पिले होलोजोइक पण तीनी टाइप रो छि, थ्री टाइप्स ऑफ होलोजोइक आर देयर. क्या क्या है आपका, पहला है हर्बीवोरस, नेक्स्ट है कार्निवोरस, नेक्स्ट है ओमनीवोरस है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. हाँ, आशीष, विक्की, मदन, मदन मोहन, प्रेमलाल, पूर्णमासी, पुष्पा, लता, सब बुझी पाछ पिले? यस मैम. सुभस्मिता बुझी पाछ? राजेश? Yes, ma'am. Okay. So, herbivorous काव कही वा पिले? Herb. बा plant एवं plant product मानों को उपरे जी dependent. Plant and plant product के उपर जो dependent होगा बच्चों, उसको herbivorous बोलेंगे. और carnivorous कौन होगा? जो कि purely flesh के उपर dependent रहेगा. Tiger, lion, वो क्या करते हैं? Flesh के उपर dependent रहते हैं, right? उनको बोलोगे, आज आपको flesh नहीं मिलेगा, आप आज क्या करो, grass खा लो या फिर घास फूस से चला दो. क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं खा सकते हो. वो खाने बोल. वैसे ही ओमनीवर, हम जैसे आप में से बहुत सारे होंगे जो कि सिर्फ प्योर वेजिटेरियन होंगे, मतलब जैसे घास फूस वाले, आप लोगों में से क्या होगा, पनीर खाते होंगे, मशरूम खाते होंगे या फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और बहुत सारे हैं जैसे कि नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं. हम जैसे हैं, हम प्योरली नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, घास फूस भी चलेगा हमें और फ्लेश भी चलेगा. ओके, सो हम जैसे मतलब अगर ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के फूड के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा, ओमनी, मतलब बोथ. ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम. ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपका बेस है. मतलब इतने सारे जो मैं बताई अभी, इसी को लेके बहुत और टाइप के भी न्यूट्रिशन है. जैसे कि मैं बोलूंगी कॉप्रोफागस टाइप, कॉप्रोफागस मतलब जो फेकल मैटर के ऊपर डिपेंडेंट, जो माने मड़ खाती, जो माने झाड़ा खाती है ना, निजर भी खाइबे अन्यर भी खाइबे, से मारो कॉप्रोफागस को आ जाए. एक्सक्रीटा या फिर फेकल मैटर खाएंगे, खुद का भी दूसरों का भी खाते हैं. सो कॉप्रोफागस, डॉग भी कॉप्रोफागस है. वो क्या है आपका, हेटरोट्रॉपिक है, तो वो आपका जाता है होलोजोइक में भी जाएगा, कॉप्रोफागस भी है कुत्ता. और वैसे आप बोल सकते डॉग, और एक है सांगुईवोरस. सांगुईवोरस कौन है बच्चों, जो कि आपका ब्लड ब्लड सक करेगा, सांगुईवोरस उसको बोला जाता है. तो ये आपका जो मैं बोली बेस है, इसको लेके और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप का भी न्यूट्रिशन है, बट दिस आर द बेस जितना हमने पढ़ा. अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या है एक्चुअली हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? यस मैम. और एक है ना फ्रुईवोरस, सांगुईवोरस. और एक है क्या फ्यूरी फ्रुईवोरस या ऐसा कुछ? हाँ, फ्रुईवोरस बहुत सारे हैं बच्चों. अभी ये एक लिस्ट हम बनाने बैठे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप का है. ठीक है, बट इतना आपका बेस है, इतना याद रखो. दूसरा जब जब चाहिए होगा आई विल ऐड. ठीक है, सो अभी जो प्रोटिस्टा बाबा है, ये प्रोटिस्टा
तीन तीन टाइप के चीज करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक भी है, कंज्यूमर डिकम्पोजर टाइप भी है और प्रोटोजोअन्स भी है। मतलब क्या है देखो, फोटोसिंथेटिक मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक होगा, प्लांट लाइक कैरेक्टर होगा इनका जो है बच्चों, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर होगा, ठीक है। इनमें फिर कैटेगरी है डिनोफ्लाजेलेट्स, क्रिस्टोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड, डिनोफ्लाजेलेट्स, क्रिस्टोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड। इसका बच्चों ये जो पीपीटी मैं दे रही हूँ, इसके अलावा और एक पीडीएफ फाइल भेजूंगी, बेटर होगा आप, मैं उससे भी पढ़ाऊंगी अभी, उससे ही लिखना, ठीक है। पीपीटी में थोड़ा कॉम्पैक्टली दिया है, टू द पॉइंट दिया है, तो आपको नोट्स बनाने में उतना मजा नहीं आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं है। पीपीटी पढ़ाने के लिए मैं बस पढ़ा रही हूँ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए, तो पीपीटी का अलग से आप बनाना चाहते हो भी बना सकते हो, बट अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा मतलब काम हो जाएगा, मैं एक ही से बनाऊंगी, सो यू जस्ट फॉलो दैट पीडीएफ वन, आई विल सेंड टुडे इटसेल्फ पीडीएफ वन। समझ में आया सबको, बुच्छ पालना प्लांट टाइप बुझे, कंज्यूमर डिकम्पोजर जो पे फंगस फंगाई टाइप, आ प्रोटोजोअन टाइप जो एनिमल टाइप, माने प्रोटिस्टा तुम तीन प्रकार रोचन पिले, गोटे फंगी भाया आउ कि प्लांट भाया क्यारेक्टर रखी, आउ कि तुम कौन बैक्टेरिया भाया भी रखी, सरी बैक्टेरिया कहली मु, मैंने प्लांट एनिमल और फंगी तीन टाइप रही, तो से पुणी डिवाइड होती फोटोसिंथेटिक रे जाउची डिनोफ्लाजेलेट, क्रिसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोजर जो कहे कौन ना तुम फंगी टाइप सी रहा स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल टाइप जो रहा कौन ना प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा को कहवा से चार टाइप जो रे कौन कौन देख, फ्लाजेलेट जो मान फ्लाजेला अच्छी, फ्लाजेलेट बोलेंगे उनको, अमोबॉइड जिनका सीडोपोडिया निकलता है, एंटामोएबा, अमोएबा, अमोबॉइड हो जाएगा, स्पोरोजोअन्स, ओके, और एक सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब जिसका सिलिया है। कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटिस्ट? परमिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, किसने बोला? प्रेमलाल, ओके, सो पारामेसिया, हाँ बुझी गा था, पुष्पलता, सुभस्मिता बुझी पड़ चुकी ले, पूर्णमासी मैम, युगलेना, युगलेना होगा आपका, वो जाएगा और मिक्सोट्रॉपिक में जाएगा, मतलब उसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक भी है, और युगलेना का आपका फ्लाजेला भी तो है। हाँ मैम, हाँ, तो अभी आ गया, मैं जो बताई बच्चों यही चीज फिर से लिखा गया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ऑटोट्रॉप है देखो, हेटरोट्रॉप है, तो फ्लोजोइक भी है इनका, पैरासाइटिक भी है, सैप्रोफाइटिक मोड भी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप में जाता है क्रिस्टोफाइट्स, डिनोफ्लाजेलेट एंड यूग्लिनॉइड। हेटरोट्रॉप में जाएगा आपका होलोजोइक के अंडर में अगेन यूग्लिनॉइड, देखो ऑटोट्रॉपिक में भी गया, हेटरोट्रॉपिक में भी गया, तो यहाँ पे यूग्लिना आ गया मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स है गला दीटा सिति पे मिक्सोट्रॉपिक कहले हला, मिक्सोट्रॉपिक। मैम यूग्लिनॉइड मतलब लाइक शेयर characters of both like plants and animals na? Animal, हाँ, यूग्लिना जिसको बोल रहे हैं हम वही यूग्लिनॉइड है, ठीक है? हाँ मैम। और प्रोटोजोअन हमने जो पढ़ा, हाँ कौन? मैम और थोड़ा रिपीट करें। मैं बोल रही हूँ यूग्लिना जैसे एनिमल मतलब यूग्लिना प्रोटिस्ट, वो दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, दी टाइप देखो पिले, गोटे ऑटोट्रॉपिक मैंने निज निज खाद्य तैयारी करी परिबो, सनलाइट प्रेजेंट रे क्लोरोफिल रखी था से, एवं सनलाइट अब्सेंस रे सी अन्य उपरे खाद्य पाई डिपेंडेंट हबो, माने गोटे ताठ छोटो प्रोटिस्टा को खाइबो या तो फिर बैक्टीरिया मान को खाइ नबो, आमो भलिया होलोजेनिक न्यूट्रिशन करिबो, जेतु दी प्रकार न्यूट्रिशन से करूची ताको में कोन कहूचे कहला पिले, प्रोटोजोअन्स बोली कहूचे, ओके ओके, प्रोटोजोअन बोली कहूचे हला। तापर असला तुमरो कोन पारासाइटिक, पारासाइटिक रे भी पिले प्रोटोजोआ किछटा आछंती तुमर जाउछंती पारासाइटिक, माने अन्य बॉडी उपरे जो माने डिपेंडेंट हेबे, सैप्रोफाइट रे जीव स्लाइम मोल्ड, देखो एडी कंफ्यूज हबनी पिले, सैप्रोफाइटिक माने कोन, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म उपरे जो माने खाद्य संग्रह करिवे, जेंति कि फंगी हला,
फंगी टाइप रो कैरेक्टर रखो छी बोले हमें कोन कहले कंजुमर डिकंपोजर टाइप प्रोटिस्ट कहले कि नहीं लास्ट स्लाइड रे ओके तो से जो कंजुमर डिकंपोजर टाइप रो प्रोटिस्ट रो एग्जांपल हला स्लाइम मोल्ड ओके ब्रेड मोल्ड डिकंपोजर ब्रेड मोल्ड सुनी छ सेटा प्रोटिस्ट फंगी कोटे कबक सेटा किंतु स्लाइम मोल्ड ता कबक नहि स्लाइम मोल्ड ता होची प्रोटोजोआन आदि प्राणी हला आदि प्राणी कहू छ ता प्रोटो प्रोटिस्ट को आदि प्राणी नथिला कबक आदि प्राणी तापरे वायरस और बैक्टीरिया मोडिया सब बड़े कंफ्यूज है मैम सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा प्रोटिस्ट सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है ये हां मतलब डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना क्या करेगा अब्सॉर्ब करेगा ठीक है यस मैम जीवाणु भूताणु आदि प्राणी कबक सब नथिला तुमरो माने पोलसी ना ओडिया बुझी गना मुँह तो भूली गली स्वाभाविक कथा पंदर वर्ष ते पढ़ी तुम मन रही जस्ट पढ़ी देख पे फॉलो करवा से आरो स्लाइड माने आरो आमरो पीपीटी से लिखी दबो तुम डिटेल चाहिए डिटेल पढ़ देख तो ये कौन कहला देखा जाऊ तो समस्त को क्लियरली Yes, ma'am. हाँ, तो जो सब से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा किंगडम फाइलम फाइलम फीचर्स एग्जांपल्स जस्ट पढ़िले मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा देख कौन कौन रहिबो मेजर ग्रुप रे प्रोटिस्टान अल्गी गोटे आसला पिले मेजर ग्रुप में बच्चे क्या क्या आएगा प्रोटिस्टान अल्गी जिसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलेंगे स्लाइम मोल्ड अभी जिसको मैं बोली फंगस टाइप कंज्यूमर डिकम्पोजर टाइप एंड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट यहाँ तक अभी हमने पढ़ा फिर अभी आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन कौन कैरेक्टर और के जाऊँगी देखा सो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट माने जे फोटोसिंथेसिस करि पारथबो सो क्रिसोफाइट्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंकटन क्रिसोफाइट्स गोटे प्रोटिस्ट बा प्रोटिस्ट रो सब कैटेगरी जाउची क्रिसोफाइट ता अंडर पुने जीव मानक ना अलग अलग अछि क्रिस्टोफाइट होचे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जाउची तो सी कोन करूची हमरा जो पानी थाए ना लेक पॉन्ड रिवर बहुत सारा एक्वाटिक आपका बोल सकते हो एक्वाटिक इकोसिस्टम में बहुत छोटे 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 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें खुले आंख में नहीं दिखाई देंगे बट वो मेजर पार्ट होता है उनको प्लैंकटन बोला जाता है मैं लास्ट क्लास बोली थी प्लैंकटन नेक्टर यस मैम माइक्रोस्कोपिक हाँ जब फूड चेन शुरू होता है बच्चों तो फाइटोप्लैंकटन से शुरू होता है मतलब प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और अपने आप से वो चल फिर नहीं सकते हैं पानी का बहाव जैसे होगा वैसे ही बहते जाएंगे तो फाइटोप्लैंकटन जितना भी है बच्चों क्रिसोफाइट्स ही सारे होते हैं मैक्सिमम तो आपको अगर पूछा जाएगा कि डैश फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंकटन आंसर होगा क्रिसोफाइट्स क्रिसोफाइट्स या फिर पूछा जाएगा अगर क्रिसोफाइट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द फाइटोप्लैंकटन समझ में आया यस मैम यस मैम मुझे पानो की आशीष बिक्की अभिनंदन मोहन एंड मदन मोहन यस मैम यस मैम हां पांडा बाबू बुझे पड़ छ त पांडा बाबू अछंती मदन मोहन पांडा आ गोटे मोहन डैश त पूरा ना कोन मोहन आ गोटे शुभस्मिता महाराणा मैडम अछंती मोहन रेड्डी अच्छा तो मैंने रेड्डी ओके और रेड्डी कहले तू बुझी जिबु आ पांडा कहले आरो मोहन बुझी जिबो ठीक है ओ आ सेट्टी कहला मैंने हमर राजेश बुझी जिबा नहीं कि बुझा पड़ छ त बुझ एउटा सब कांसेप्चुअल जिंस पिले ए सब जिंस बुझी पाले ठीक से आगो आगो तुम्हारा कोन सब जते एंट्रेंस एग्जाम दबो एउटा रो क्वेश्चन आसे तुम्हारे 11 12 रे जहां कोर्स रहला से उडा ही मूल द्वा तुम्हारे जत्ते आगो को जिबो एंट्रेंस दबो मेडिकल पई नियो बा तुम्हारे ओयूटी पई नियो बा जे कोनो से एग्जाम पई सब ए क्वेश्चन उडा ही आसीबो तेनो एबे पूरा बेस भल से पढ़ो बुझ जाओ भल से हला देखो तल से कोन कोची क्रिसोफाइट्स होचन फाइटोप्लैंकटन दिस इंक्लूड कोन कोन ना मेनली कोन कोन फोटोसिंथेटिक प्रोटीस रे जाउचि पिले क्रिसोफाइट जाउचि डिनोप्लाजेलेट जाउचि युग्लिनॉइड जाउचि ए तीनटा मे स्लाइड रे भी जस्ट देखितले हमें ए तीनटा जाउचि तुम्हारा कोन ना फोटोसिंथेटिक प्रोटीस रे तापर क्रिसोफाइट्स बिसरे बे देखिबा कोन प्रकृत रे माने सो दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी पुनी तारा सब कैटेगरी हला
डायटम्स एवं गोल्डन एल्गी, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को लेके आपका क्रिसोफाइट्स बना हुआ है। अभी गोल्डन, इसको ना गोल्डन ब्लू एल्गी भी बोला जाता है, यूजुअली डेस्मिड्स के नाम से आजकल फेमस है ये। डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर डैश। हाँ बोलो, डायटम्स भी गोटे एल्गी है ना मैम? ना, ये उड़ा पूरा प्रोटिस्टा, ये माने एल्गी नहीं होती, ये माने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, माने अल तुम्हारा पर प्लांट टाइप रो सेति पाए कौन हमें एल्गी कहूचे, बुझला था? प्लांट टाइप रो कैरेक्टर किंतु ये प्रोटिस्टा, जेमिति स्लाइम मोल्ड कहिले फंगस टाइप रो किंतु से प्रोटिस्टा सेही टाइप रो ना पाई हमें कंफ्यूज होचे काही कहला पिले। स्टार्टिंग में याद करो हम जब किंगडम स्टार्ट किए थे मैं क्या बोली थी, ये जो प्रोटिस्ट एंड मोनेरा आपका प्लांट किंगडम के अंडर में था, प्रोटिस्टा हालांकि एनिमल में था बट कुछ कुछ उसमें से प्रोटिस्टा डिवाइड हो गया था प्लांट में, एंड फंगी प्लांट किंगडम के साथ था, तो तभी से ये सारा नाम रह गया है इनका, इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो रहा है अभी। बट गोल्डन एल्गी इज अ प्रोटिस्ट, दिस इज नॉट एल्गी। जो एल्गी होते हैं यूज वाले प्लांट किंगडम में वो तीन तरह के एल्गी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। बट अगर बैक्टीरिया बोलते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अभी गोल्डन ब्राउन एल्गी जिसको बोला जाता है वो है आपका डेस्मिड्स, ये एक प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा दीटा आप जानी पाला तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स माने प्रोटिस्ट। अभी डायटम कौन देखियो, देखो Diatoms occur in all aquatic and moist terrestrial habitat and are also known as chief producer in the ocean. माने ocean में जो रहुचनी पिले माने खाद्य बहुत amount रे तैयारी करंती। Producer कौन? Green plant माने producer की नहीं? तो ये माने खाद्य तैयारी करतांती। Diatoms are the main producer in the marine environment. समुद्र रे सबूत अधिका diatoms अच्छन्ते एवं सही थी बहुत अधिका माने खाद्य मधे प्रस्तुति करतांती। So they are also known as पर ऑफ ओशन, मानो कौन कौन कहा जाए समुद्री पॉल बली कहा जाए। एज वेल एज सॉरी आर वॉल्स ऑफ डायटम्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। डायटम का जो वॉल होता है, डायटम इस तरह के होते हैं या फिर इस तरह के भी होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज में होते हैं बच्चे, पूरा ऑर्नामेंट टाइप का होता है। तो आप देखोगे तो पूरा क्या मैंने लोभ है जो तमको बहुत सुंदर सुंदर देखा जाती। सो डायटम सिलिका तार जो बाहर लेयर था पहले सिलिका तैयार ही था, समझ में आ रहा है? सिलिका से बनता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है बच्चों। और ये मरने के बाद जहां पे जमा होते हैं मतलब पाइल अप होते जाते हैं वो एरिया को क्या बोला जाता है पता है? डायटमसियस अर्थ। डायटमसियस अर्थ किसको लेके बना होता है, क्वेश्चन आएगा आपका, डायटम्स को लेके बना होता है। क्यों डायटमसियस अर्थ बोला जाता है? डायटम्स का जो वाल होता है वो सिलिका से बना होता है, मरने के बाद जगह एक जगह में ये पाइल अप हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ मरे उनके बाद जो मर रहे हैं यहाँ पे ही पाइल अप होके बहुत बड़ा सा एरिया बना देते हैं, तो उसको डायटमसियस अर्थ बोला जाता है। आप सब गूगल करके ये देखना डायटमसियस अर्थ। ओके बच्चों, मैम इसको लाइक ना इसका यूज लाइक आई थिंक सो फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए होता है ना? यस एग्जैक्टली, इसका बहुत सारा मतलब है यूजेस, हम आगे जाके पढ़ेंगे। पेंट जो कलर करते हैं एक्सटेंडर, पेंट को एक्सटेंड कराने में हेल्प करता है और ये फिल्ट्रेशन के लिए भी हेल्प करता है। सुगर इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में तो आगे इसका हेल्प भी देखेंगे हम। कौन पूछो, ये कौन पूछो? देखो दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने खोला आखिर देखा जानते हैं, जानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप सच एज सर्कल, सेमी सर्कल्स, ट्राइंगुलर एंड स्पिंडल शेप, बोर्ड शेप एक्सेट्रा। द बॉडी वॉल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, देन और क्या बोल रहा है, सेलुलोज से बना होता है, इम्प्रिग्नेटेड विथ ग्लास लाइक सिलिका, सेलुलोज एंड सिलिका के मिक्सचर से बना होता है। सेल वॉल हैव टू ओवरलैपिंग, साबुन खोड़ा भाया थी पिले ए टाइप रो दीटा ओवरलैपिंग हे गी थी, राउंडेड स्ट्रक्चर रे एबला रहइबो आ जो तुम्हारा कौन कह परिबो ना एबला स्ट्रक्चर भी रहे, एबला भी रहे और राउंडेड स्ट्रक्चर भी रहे, दीटा एंति कवर एक थी साबुन केस टाइप आगे को देखिबा हमें। देखो एटा सोप बॉक्स, SOAP सोप बॉक्स एटा कॉल्ड शेल ऑफ सेल और फ्रुस्ट्यूल, इसको क्या बोला जाएगा जो दो कवर ऐसे बनेगा, ऐसा एक या फिर आप बोल सकते हो ऐसा एक ऐसा, उसको फ्रुस्ट्यूल बोला जाता है। सोप बॉक्स कॉल्ड शेल और फ्रुस्ट्यूल दैट इज अ लिड
covering lead माने कौन covering and a lower half fitted together साबुन केस रे जिम तळ ऊपर था सेम बला डायटम्स आर वेरियस वेरियसली कलर्ड बना हां सो बस मिटा कौन मैम सामुका परी ना सामुका परी हां किने माने सामुका नहंती सामुका परी किने सामुका नहंती है माने हला बहुत गुड़े कलर मो कहली बहुत सुंदर सुंदर शेप रे थांती माने नॉट नॉट पोजेसेस फ्लैजेला एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज एमानकर सब स्टेज रे पिले फ्लैजेला न थाए केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज रे थाए हला देखो क्लोरोप्लास्ट आर येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड सी क्लोरोफिल कौन कौन रखी थांती माने क्लोरोफिल ए एंड सी दे कंटेन फ्यूकोजांथिन दैट प्रोवाइड ब्राउनिश ब्राउनिश कलर कहां पे पिले ना फ्यूकोजांथिन पे माने रहबो त क्वेश्चन आसे एटा कोथि पे ब्राउनिश फ्यूकोजांथिन फूड इज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड ल्यूकोसिन फूड एमानक रिजर्व फॉर्म रे रहउछे एवं को फॉर्म रे रिजर्व हे के रहउछे ऑयल आउ ल्यूकोसिन फॉर्म रे माने गोटे टाइप रा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आउ लिपिड फॉर्म रे रिजर्व हे के रहउछे तापरे एमाने यूजुअली असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करंती बाइनरी फिशन थ्रू रे पिले असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करंती को थ्रू रे बाइनरी फिशन थ्रू रे हला आउ एमानकर जोरेला सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज केमते होची आइसोगैमस उगैमस कोन मु बते दउ छी एबे अ फेमस एग्जांपल हला पिले नाभिकुला ए टाइप रे जदि कहली मु नाभिकुला एटा तापरे एम्फिप्लुरा आउ तुमार होची टाइमबेला तो एबे यारो डायग्राम देखौ छी एपटे अछि देखो ए सब ए टाइप रो थान एटा होची नाभिकुला एटा नाभिकुला पिले एटा होची मेलोसिरा एटा नाभिकुला एमती साबुन खोल बला थाए मेलोसिरा ऊपर आ तळे गोटे थिबो बुझिलो यस मैम मैम ये शेल की तरह दिखते हैं पर माइक्रोस्कोपिक हैं हां माइक्रोस्कोपिक है समझे मेलोसिरा भी मैं लिख रही हूँ मैम तो मैम वो जो एक्वेटिक है ना मतलब डायटम मैशेस अर्थ तो वो कैसे मैम लाइक फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स के बहुत ज्यादा जमा होने के कारण ऐसा बना देते हैं मैम वो फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स मतलब वो अंदर ही मतलब जो पानी के अंदर ही होता है क्या मतलब हाँ पानी के अंदर होता है डीप सी में नहीं नहीं फिल्टरेशन के लिए हम उसको लाके इंडस्ट्रियल यूज में लगाते हैं अभी देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लेके जमा होंगे तो कैसे होंगे रेत की तरह हो जाएंगे रुको मैं दिखा देती एक मिनट दो ये गूगल खोलने में टाइम लगेगा तब तक हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं तो डायटम्स आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट है आपका बहुत सी चीजों के लिए हेल्प करते हैं डायटम्स यूजुअली जैसे कि आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसाइजर फोटोसिंथेसिस करते हैं फाइटोप्लांकटन है ये और आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है डिपोजिट आर ऑफन अकॉम्पेनिड बाय पेट्रोलियम फील्ड जहाँ पे डायटमेसियस अर्थ है वहां से यूजुअली पेट्रोलियम फील्ड मिलता है हमें पता है सी बेड रे पेट्रोल मिले कि नहीं सी बेड में yes. पेट्रोल मिलता है कि नहीं तो जहाँ पे डायटमेसियस अर्थ होता है उसके नीचे पेट्रोल फील्ड होता है देन देयर दीज आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट हम जब टूथपेस्ट यूज करते हैं बच्चों उसमें भी होता है ये एंड मेटल पॉलिश के लिए भी यूजेस होता है इसका एंड ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप समझ में आया ये सारा हम लाके इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बच्चों नेक्स्ट डायटम्स आर यूज्ड एज इंसुलेशन इंसुलेशन मतलब किसी गोटे जिन भीतर को प्रवेश करते हो बाहर को जाई पारो इंसुलेटर तक हमें कहवा इंसुलेशन मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में इंसुलेशन चाहिए कि नहीं कूलिंग रखने के लिए बॉयलर एंड फर्नेस हमें जो ब्लास्ट फर्नेस कहे से उड़ा ये सब यूज होता है दिस आर ऑल्सो यूज टू मेक साउंड प्रूफ रूम जो गीत रेकर्डिंग हुए सब साउंड प्रूफ रूम कहपर तुम्हें या फिर डबिंग सब होता है सही डायटम्स आर ऑल्सो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ओके
आउ एमाने आउ कौन करते जानच पिले ना तुम पेंट एक्सटेन इनर्ट पेंट एक्सटेनसर मानते कौन पेंट जो गोलाउे कलर दबापी ना तो मिसा हम तो पेंट रल्यूम टा बहुत बढ़ी जब कलर जितकी आम बनवा भल्यूम बढ़ो कि किसी रियाक्शन हेनी कलर में जमी कलर थी तो सेमती हम कि भल्यूम पा मिसले मिसी जो पा मिसले पतला यहाँ नर्माली रोज बुझे एक्सटेडर मानते एक्सटेड कर दूसरी भल्यूम टा को इनर्ट एक्सटेडर कौन सी रियाक्शन न कर आ गया डायटोमेसियस अर्थ देख लेते हैं अभी देख डायटोमेसियस अर्थ पाउडर फॉर्म रे अणा हुए प्यूरीफाई कर पाउडर फॉर्म रे अणा हुए ये सब बाहर था देख पार ये था सब समुद्र रु अणा हुए प्यूरीफाई कर यूज करा हुए दिख रहा है यस मैम तो ऐसे पाउडर फॉर्म में होता है जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगह में यूज कर पाएंगे मैम इनका नाम डाई एटम क्यों पड़ा दो कवर के लिए हाँ मैम ओके मैम मैम एटम एटम तो कवर नहीं है ना हाँ बट एटम मतलब दो चीज को लेके बना वैसे सोच के पड़ा हुआ है डाई एटम ऐसे सर ओके मैम दूसरा टाइप है आपका गोल्डन गोल्डन ब्राउन एल्गी या फिर आप बोल सकते हो डेसिमेट्स These are unicellular green algae type. This their cell wall have distinct half. Two half hai. Sexually reproduction occur by conjugation, similar to kya? Spirogyra. Then they are usually found in freshwater and act as indicator of polluted water. Polluted water mein indicator jaisa kaam karte hain. Then ek aaya aapka dinoflagellates. These are mainly marine and photosynthetic organism. And there are about 1000 species of photosynthetic protists are present ye dinoflagellate ke andar mein important phytoplankton ye bhi important hai most of them are marine but some occur in freshwater nadi nalare bhi paiba pile samudra pani re bhi paiba ame hala the wall in dinoflagellate if presents jadi wall rahibo then compost kemti hobo ko thijinsar tyari hobo na made up of cellulose उसका अलग था इसका अलग है ठीक है वो सिलिका से बना हुआ था ये सेलुलोज से बनेगा द सेल्स यूजुअली पोजेसेस टू फ्लैजेला व्हिच आर डिफरेंट टाइप डीटा फ्लैजेला थायपिले जोड़ा कि डीटा डिफरेंट टाइप रे थाय फ्लैजेला ला गोटे फ्लैजेला लॉन्ग होगा और एक फ्लैजेला ऐसे ही बीच में क्या होगा उसका जो सेल रहेगा उसके चारों तरफ ऐसे राउंड होके रहेगा वन फ्लैजेला इज ट्रांसवर्स arising from the anterior part anterior posterior jani cha anterior muh posterior annas ko bujhai thai mane back or front pakha koi pariba dorsal ventral bhi achi ventral amara chhati dorsal hochi pithi pakha anterior mouth kahibo a posterior annas kahibo hala okay ma ha so iska jo do hai main dikha deti hu kaise rehta hai dekho देखो दीटा देखी पार छे पले यस ये एक है और एक यहां ग्रुप में ऐसे फोल्ड होके होगा देखो यहां पे एक है और एक झूला हुआ है एक झूलेगा और एक ऐसे रहेगा दो होता है ठीक है दो दीटा फ्लैजेला थाय पले गोटे झूले की रहइबो और गोटे चारि पटे रहइबो ये तो यूनिसेलुलर किंतु मझी पेट पाखा पेट मु कहे ताको यूजुअली सेल रो मझा मझी घुरी की रहिथाय गोटे हला डिनोफ्लैजेलेट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू सेल डिवीजन और बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस पोर एंड सीस्ट वैरायटीज ऑफ आई स्पॉट्स ऑकर इन डिनोफ्लैजेलेट सम ऑफ देम लाइक ओसेली आई स्पॉट भलिया बहुत गुडा कोन स्पॉट थाए मानकर सेल रे ताको ओसेली कहा जाय माने रखिबो एटा रिजर्व फूड मानक केस रे कोन पिले ना ऑयल एवं स्टार्च तार मध्य थिला से भलिया गोनियाउलाक्स सेराटियम नोक्टिलुका आउ हेला तुमरा पेरिडिनम आउ जिम्नोडिनियम दीज आर वेरी 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 इंपोर्टेंट डिनोफ्लैजेलेट्स
याद रखना है आपका गोनिया उल्लास, इनका काम क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, तो आपको याद रखना है वो चीज, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, गोनिया उल्लास तुम्हारो रेड टाइड करी था, रेड टाइड डायग्राम दिखा, मैं भी इसका भी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, देखी पा रो चो? Yes, ma'am. आपको लगेगा ये समंदर में क्या ब्लड आ गया क्या? नहीं, ये आपका गोनिया उल्लास के वजह से है, ये रेड टाइड करवाता है ओसेंस में, ठीक है? और बच्चों ये एक टॉक्सिक सिक्रेशन करता है, गोटे पॉइजन सिक्रेशन करे पिले, जहाँ को हमें साक्सी टॉक्सिन बोली कही था, साक्सी टॉक्सिन हला, सी अन्य माछ मानक पई मृत्युर कारण हेथाय, कॉजेस फिश मोर्टालिटी। जदि क्वेश्चन आसीबो कि डैश कॉजेस फिश मोर्टालिटी इन योर ओशन और मैरिन एनवायरनमेंट, कहिबो साक्सी टॉक्सिन। साक्सी टॉक्सिन कोठ बाहरते है? गोनिया उल्लास, हला माने रहइबो? यस मैम, यस मैम। आउ गोटे इंपोर्टेंट अछि पिले, बायोलुमिनेसेंस, नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका बायोलुमिनेसेंट करिथाय। कोन बायोलुमिनेसेंट देखि पारछ केते उज्ज्वल देखाय होछि ओडा समुद्र रो जो जगह रे थी बेस, ए जगह रा पूरा तुम्हारा व्हाइट बर पूरा लाइट बड़ा देखा जीवो, सो बायोलुमिनेसेंट कैरेक्टर नॉक्टिलुका रा अछि, एवं तुम रेड टाइप करते गोनिया उल्लास, यार अति के होछि इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? देन युग्लिनॉइड नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हम, प्लाइमोल्ड युग्लिनॉइड, देन प्रोटोजोआन। मैम एक डाउट था, बोल। मैम अगर इनके पास इतने सारे फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इनको मतलब प्लांट टाइप में क्यों नहीं डाला? हाँ, क्योंकि पूरा प्लांट जैसा नहीं है ये ना, पूरा प्लांट जैसा नहीं है, पूरा सेलुलोज से बॉडी नहीं बना है, और इनका क्या है ये मल्टी सेलुलर नहीं है, प्लांट में तो सब मल्टी सेलुलर है, और एल्गे, हाँ प्लांट में जो एल्गे होते हैं एल्गे यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है, और इनका रूट स्टेम लीव्स भी तो नहीं है। यस मैम, दैट इज आल्सो करेक्ट। क्या वो जो रूट स्टेम, एल्गे का रूट और स्टेम भी होता है? सिर्फ एल्गी है नहीं, रूट स्टेम लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता है उसका, यूजुअली थैलोफाइट है वो, उसका जो बाद वाला है ब्रायोफाइट उसमें होता है, बट रूट स्टेम लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट वो फॉल्स है, वो मतलब ट्रू नहीं है, बट टेरिडोफाइट में आपका प्राइमरी प्रिमिटिव स्टेज में रूट स्टेम एंड लीव आ जाता है, ठीक है? तो यही सारे कुछ कुछ कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए हम उसको प्लांट किंगडम में नहीं ले पाए हैं। यस ओके, तो आज जाके टिके पढ़ो एटा, मु एथरे आ किछटा डायग्राम आ ये ऐड करके तुम मन को पठेबे काली सुधा, ठीक अछि ना? यस मैम, यस यस मैम। हम पीडीएफ टाच पठेबे, हां पीडीएफ टा मु जे जो ऐड कर देबे किछटा आ एक्स्ट्रा पॉइंट्स सेथिरे आ डायग्राम ऐड कर देबे, नन तुमे केते गूगल करके देखबो पड़ी, तो ऐड करके हम पठेबे लगे। ओके ओके मैम, चलो थैंक यू क्लास, thank you very much ma'am, good very important features, thank you ma'am, take care all of you, kal thik time jaisa hai hum log ka 6 baje bhi class hoga aur chalega, miss me till tomorrow, okay? Yes ma'am, miss karo mone pakai pakai notes ra kar diyo ma'am, dei chan deti ki patha sari bar achi aa mone bhi rakhi bar achi, ha chalo pile, bye bye।